यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं सनत हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आजादी के नए एपिसोड में आप सभी को स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम पिछले 4 साल से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भूलना नहीं, एक सेवकाई है। इस सेवकाई में हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। यदि हमें सुनने वाले कोई भी व्यक्ति हमारे साथ वॉलंटियर बनके प्रार्थना सहभागी बनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। आज जो हम सुनने वाले वचन है यीशु देने वाला शांति के बारे में। मैं विश्वास करते हैं यदि कोई भी व्यक्ति के जीवन में अशांति है तो ये संदेश उसके जीवन में शांति भरेंगे। बहुत प्रार्थना के साथ सुनिएगा आपके जीवन में छुटकारा के लिए। साथ में आप में से कोई भी मुंबई के आजू बाजू में रहते आप हमारे कलीसिया में जरूर आइए। आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के वचन को जानने का आपके लिए एक मौका है। आगे के वचन बहुत ध्यान से और प्रार्थना के साथ सुनिए। लुका का सुसमाचार 10वां अध्याय का 5वां आयत। जिस किसी घर में जाओ, व्हेन यू एंटर ए हाउस, पहले क्या कहना है? पहले कहो पीस टू दिस हाउस, इस घर के लिए कल्याण। ना तो इस घर में शांति हो, इस घर में चैन हो। यीशु मसीह शांति देने के लिए इस धरती में उतराया। जहां चैन नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां वो पीस नहीं है, यीशु का प्रायोरिटी है उस जगह क्या लाना? पीस लाना, चैन लाना यीशु का प्रायोरिटी है। मैं आप सबको कह के देना चाहता हूँ, यीशु हम सबका घर में ऐसे चाइन होके देखना चाहता हूँ। आपका सिचुएशन को बदलना चाहता हूँ, आपका सिचुएशन को बदलना चाहता हूँ। जो समस्या से हम गुजर रहे उस समस्या को यीशु अपना जीवन से दूर करना चाहता हूँ। ये यीशु का फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आपका घर में भी इस शांति उत्पन्न करना यीशु का पहले का काम है, पहले का काम है। आज अगर इस वजन रुकात्मा हमसे बात किया तो विश्वास करो आने वाला दिनों में आपका स्थिति को प्रभु बदलेगा, उस समस्या को दूर करेगा, उस मुसीबत को आपका जीवन से प्रभु दूर करने वाला है। आपका घर के अंदर चैन होने वाला है, आपका घर के अंदर कल्याण, ब्लेसिंग्स, आशीष होने वाला है। धन्यवाद यीशु। यीशु ने क्या कहा मन में? तो कोई भी घर में जाओ, उस घर के अंदर प्रवेश करके सबसे पहले बोलना है इस घर के अंदर शांति हो। सो इट्स अ सेंटेंस ऑफ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या है? कोई भी घर में हम जाएगा पहले उनको क्या करेगा? प्रणाम करेगा, वंदना करेगा ना, हालेलुया। इट्स अ वर्ड ऑफ सैल्यूटेशन। लेकिन वो सैल्यूटेशन से बढ़कर, एक मामूली सैल्यूटेशन से बढ़कर, वो एक तरह का इंपार्टेशन है। इंपार्टेशन का मतलब क्या है? कुछ हम उस घर के अंदर दे रहे। एक परमेश्वर का बच्चा जब आपके घर में आके पैर रखेगा, आपको हाई बोलेगा, आपको हाथ मिलाएगा और बोलेगा हम तेरे लिए प्रार्थना करेगा। फ्रॉम दैट मोमेंट इटसेल्फ, हालेलुया, उस समय से लेकर What will happen? Hallelujah! क्या होने वाला है? आपका छुटकारा शुरू होने वाला है, आपका छुटकारा शुरू होने वाला है, आपका घर के अंदर शांति उत्पन्न होने वाला है। तो एक मामूली सल्यूटेशन नहीं है, एक तरह का इंपार्टेशन है। तो एक वर्ड ऑफ सल्यूटेशन बता के यीशु ने भेजा। तो ये जो वर्ड इन्होंने कहा, क्या वर्ड है? रिपीट इट, पीस टू दिस हाउस, इस घर में शांति हो। ना तो हिंदी बाइबल में लिखा इस घर में कल्याण हो। लेट देयर बी पीस इन योर हाउस, ये किसका वेड़ है? चेलों ने कहा, लेकिन चेलों का वेट नहीं है, यीशु ने ये वेड बोलने के लिए उनके पास भेजा। सो ये वेड
उस चेलों का वचन नहीं है, चेलों का हाथ में इस घर के लिए प्रभु भेजा हुआ संदेश है। यीशु उस घर को देखा, हालेलुया। यीशु का विशेषता क्या है मालूम है? हम उनको कुछ बोल के देने का जरूरत नहीं है, हालेलुया। जब हम उनको जानता नहीं था तभी भी वो हमें जानते था। यीशु जब ये दो दो चेलों को भेजा, यीशु को जानते है किस घर में ये लोग पहुंचने वाला है। पहुंचने से पहले जानते उस घर का कमी क्या है उनको जानते। मैं आप सबको बोलना चाहता, इस वचन सुनने वाला हर व्यक्ति के मैं बोलना चाहता हूं, हालेलुया। आप इस प्रार्थना में आने से पहले, आप इस वचन सुनने से पहले आपका समस्या क्या है प्रभु जानते, हालेलुया। प्रभु जानते, प्रभु जानते आपका प्रॉब्लम क्या है प्रभु जानते। इसलिए जो वचन प्रभु उनके हाथ में कौन सा वजन भेजा, जो उधर का जरूरी है उस वजन भेजा। कभी कभी प्रार्थना सभा में आके लोग मुझे आके ना तो परमेश्वर के दासों का आके पूछते, पास्टर आपने जितने वजनों आज बोला सब कुछ मेरे लिए था, ये कैसे हो गया, आपको कैसे पता मिला, हालेलुया, आपको कैसे पता मिला ये क्या ना मेरा बारे में इतना बातों। बहुत सिंपल, हमें पता नहीं था आपका बारे में, लेकिन परमेश्वर को जानते था। परमेश्वर आपके लिए वजन किसके हाथ में दिया? परमेश्वर का चेलों के हाथ में दिया, दासी दासों के हाथ में दिया। उन्होंने एक एक शब्द आपके घर में आके कहा, एक एक शब्द प्रार्थना सभा में वजन में कहा, वो आपके लिए परमेश्वर का संदेश दा, परमेश्वर का संदेश दा। बिलीव मी माई डियर चर्च, गॉड सेंड हिज वर्ड, लेट मी हालेलुया, मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर क्या किया, उसका वजन भेजा, किसके हाथ में भेजा, उसका चेलों के हाथ में भेजा। जब वो वचन उधर पहुंचेगा क्या होने वाला है, वो उस घर के अंदर कल्याण होने वाला है। तो वचन मामूली एक सल्यूटेशन नहीं है, मामूली एक ग्रीटिंग नहीं है, उस वचन हकीकत में उस घर के अंदर एक इंपार्टेशन है, कुछ देर है उस घर के अंदर, ब्लेसिंग का शुरुआत है। वजन जहां भी पहुंचेगा, वजन क्या करेगा, वजन उसका कार्य करेगा। ऐशिया का किताब में क्या लिखा है, प्रभु का मुंह से निकला हुआ हर वजन बिना उसका कार्य करके नहीं लौटेगा, हालेलुया। अगर प्रभु का मुंह से कोई भी वजन निकला, व्हाट दैट विल डू, उसका कार्य करेगा, हालेलुया। ऐशिया 55 का 11 से पढ़िए, एक दो वजन उसका ऊपर से पड़ेगा तो अच्छा। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट उसका नवा आयत से पढ़िए, नवा आयत से, सब लोग ध्यान से सुनना इस वजन, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी के अंतर है। देखो अपना सोच और परमेश्वर का सोच में कितना अंतर है, हम जो सोच रहे वैसे नहीं सोच रहे परमेश्वर, अपना सोच बहुत नीचे का है, परमेश्वर का सोच बहुत ऊंचा है। आपका बारे में, मेरा बारे में जो हम प्लानिंग किया उससे बेहतर प्लान कौन रखा है? आपका प्लान जब बिगड़ जाएगा आपको लगेगा ओ मैंने बहुत प्लानिंग किया, क्या हो गया, फिर क्यों हार गया, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेहतर एक प्लान रखा है। आपका प्लान बहुत नीचे का है, परमेश्वर का प्लान आकाश का वैसे ऊंचा है। पढ़िए, देखो कैसे बारिश बरसात है, हिम बरसाते वैसे वहां यू ही लौट नहीं जाते, वो बारिश गिर के वो पानी लौट जाता नहीं है, फिर क्या करेगा, वरन भूमि पर पड़कर उपज उप जाते। पानी गिर कर वो बीज के ऊपर पानी गिरेगा, बीज को गिल्ला करेगा, वो बीज से के ना हालेलुया देश को फलवंत करेगा, खेती से अच्छे फलों उपजने वाला है, क्यों, क्योंकि बारिश गिरा उसके ऊपर। इन द सेम वे, वैसे ही जिससे बोने वाले के बीज और खाने वाले की रोटी मिलते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो मेरा मुंह से निकालता है वो व्यर्थ ठहरा कर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर का मुंह से अगर परमेश्वर ने एक वचन भेजा, वो बिना उसका काम करके लौटने वाला, अगर यीशु के चेलों के हाथ में प्रभु ने इस वचन भेजा, कौन सा वचन, पीस टू दिस हाउस, इस घर में
कल्याण हो, शांति हो, शाइन हो, क्या करने वाला है उस घर के अंदर, उस काम होने वाला है। अजय वजन सुन के आप भी ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु आपका वजन मेरे घर में भेजो, सेंड योर वर्ड, आपका वजन भेजो, आपका वजन जहां भी पहुंचते वो क्या करेगा, उसका काम करेगा। पढ़िए सिस्टर, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। देखो वो वजन जाके क्या करेगा, परमेश्वर का इच्छा, शुरुआत में ही कहा आपका प्लान नहीं है परमेश्वर का प्लान। आपका प्लान क्यों बिगड़ गया, क्योंकि आपका प्लान सिर्फ आपका प्लान था, परमेश्वर का इच्छा नहीं था। परमेश्वर उससे बेहतर एक प्लान आपके लिए बना के रखा था, समझ लो। अगर छोटा छोटा आपका प्लान बिगड़ गया, आप दुखी मत हो जाओ, जब प्रभु उसका वजन भेजेगा, उस जो अच्छे भले पद्धति आपका जीवन के बारे में प्रभु रखा है वो प्रकट हो जाएगा और आप सक्सेस होने वाला है। जहां हार गया उधर ही आप कौन बनने वाला है, जयवंत बनने वाला है, आप कामयाबी बनने वाला है। क्यों हार गया पहले, क्योंकि आपका सोच आपका विचार बहुत छोटा था, नीचे का था, खुद का था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बेहतर पद्धति आपका बारा में बना के रखा था। God is having a great plan about your life. What you are planning? Hallelujah. आपने प्लान किया, ओ बिगड़ गया तो भी दुखी मत हो जाओ। परमेश्वर का मुंह से जब वजन आएगा, वो वजन क्या करेगा, कार्य करेगा। कैसे बीज का ऊपर पानी, बारिश का पानी गिर के वो बीज को तैयार करके वो बीज से हालेलुया वो फल उपजाते, वैसे आपका जीवन में भी फल प्रभु उसका वजन का द्वारा उपजाने वाला है। तो आज जब इस वचन बोल रहे, वचन एक बारिश जैसी आपके ऊपर गिर रहे। कैन यू बिलीव दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज समथिंग लाइक ए रेन विच इज फॉलिंग अपॉन यू। हेलो, अब ऐसे आपका कल्पना में देखो, एकदम उजड़े हुए जमीन, एकदम मरुभूमि जैसे जमीन, जहां काफी सालों से पानी गिरा नहीं, हालेलुया, एकदम सूख गया जमीन, जब पहले बारिश आएगा उस जमीन कितना हर्षित हो जाते, उस जमीन कितना खुश हो जाते, पानी को रिसीव करेगा, और कुछ दिन बाद में उसी जगह आप जाकर देखो पूरा पूरा हरा भरा होगा। क्यों, क्योंकि पानी बारिश उस जमीन को बदला। Can you believe that? Hallelujah! क्या आप विश्वास कर सकते, आपके उजड़े हुए जीवन में, आपके सूख गया जीवन में प्रभु का वजन का बारिश गिरेगा। It's something like a rain. Can somebody pray, Lord, rain upon me? मेरा ऊपर, ओह आपका अनुग्रह का, आपका आशीष का मेघ बरसाने दीजिए। मेरा परिवार के ऊपर आपका वजन का मेघ बरसाने दीजिए। जहां शांति नहीं है, जहां सूख गया, जहां उचड़े हुए अवस्था है, मेरा घर का भीतर आपका मेघ बरसाने दीजिए। वजन मेघ जैसे, वजन कैसे, हालेलुया, बरसाएगा आपके जीवन में, बारिश गिरेगा आपका जीवन में, वजन का बारिश है ना, हालेलुया। वजन का बारिश जब गिरेगा, जहां शांति नहीं है, जहां आशीष नहीं है, जहां जहां छुटकारा नहीं है, जहां स्थिति बदलना है, जहां उचड़े हुए अवस्था है, जहां सूख गए अवस्था है, उस अवस्था को प्रभु बदलेगा। प्रभु आपका जीवन में एक रिस्टोरेशन करने वाला है। हमेशा मैं कहते अपना परमेश्वर और गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, पुनस्थापना करने वाला परमेश्वर। जो टूट गया, खत्म हो गया अवस्था को, नष्ट हो गया अवस्था को, सूख गया अवस्था को, खत्म हो गया अवस्था को वापस बनाने वाला परमेश्वर, जीवन को नया बनाने वाला परमेश्वर, खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर। पहले का नष्टों के बारे में तुम दुखी मत हो जाओ। प्रभु का आत्मा कुछ लोगों को कह रहे, जो नष्ट हो गया, जो खो गया बातों के बारे में तुम दुखी मत बन जाओ। हालेलुया, तुम दुखी मत हो जाओ। हालेलुया, you know brother, whatever you lost in your life, do not worry about that. Hallelujah. I do not know what is your situation, but God is guiding me when I am preaching from this word. Hallelujah. His vajan se main baat kar rahe, prabhu ka atma mujhe bol rahe, his vajan aapke aur direct ho rahe. Hallelujah. Jo nuksan ho gaya, jo plan bigad gaya, uska bare mein ab dukhi mat ho jao, kyunki aapka plan se behtar plan aapke liye, aapka parivar ke liye prabhu rakha hai. You know, when I was giving that message, God told me this message is for you. That's why I'm telling. Hallelujah. Is sandesh aapke liye hai.
क्योंकि आप वचन शुरू होने के बाद में आया है ना. सो I have already started the message, but even before you come, hallelujah, God gave me the message, hallelujah, प्रभु ने संदेश मेरे हाथ में. क्यों? आप आने वाला है करके परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया. फिनी पास्टर जानते नहीं है कौन कौन प्रार्थना सभा में आएगा, हालेलुया 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 ना. अगले हफ्ते टेलीविजन में भी ये प्रोग्राम जाएगा. मैं जानता नहीं है कौन कौन है वजन सुनेगा, लेकिन प्रभु का आत्मा दूर दूर में बैठ के पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हालेलुया, आंध्रा में, भारत का अलग अलग कोने में बैठ के इस वजन सुनने वाला हर व्यक्ति से प्रभु का आत्मा बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद यीशु. आपका जीवन में जो शून्य हो गया, जो नष्ट हो गया अवस्थाओं को प्रभु वापस बनाना चाहते हैं. God want to recreate, God want to establish peace in your household. आपके घर के अंदर प्रभु शांति उत्पन्न करना चाहते हैं. God want to establish peace in your household. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद देना चाहता मैं प्रभु को. तो प्रभु का मुंह से निकला हुआ एक वचन कैसे, बारिश कैसे काम करते, पानी कैसे सूखे हुए जमीन को बदलते, वैसे ही प्रभु का वचन जाके उसका काम करेगा. काम करने के बाद में क्या करेगा, आगे पढ़िए, उसके पास वापस जाएगा. बिना काम करके जाने वाला ओ संबड़ी से कुछ लोग कहो, अगर प्रभु का वचन मेरे घर में आया, प्रभु का वचन मेरे परिवार में आया, प्रभु का वचन मेरे दिल में आया, बिना उसका काम करके वो जाने वाला नहीं है, हालेलुया, वो जाने वाला नहीं है, हालेलुया 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 हालेलुया. उसका काम वो वचन पूरा करेगा. यीशु का दो चेलों अभी घर में आया, इस घर वालों को जानता नहीं ये लोग क्यों आया. दरवाजा में कोई खटखटाया, दरवाजा खोला, दो बंदों बाहर खड़ाए, उन्होंने कहा पीस टू दिस हाउस, हालेलुया, इस घर में शांति हो. दो अनजान व्यक्तियों आके जैसे बोलेगा लोग क्या सोचेगा, ये लोग कहां से आया, लेकिन वो पीस का शब्द जब सुना ये लोग कहा इसमें कुछ खासियत है. They are not non-person, है ना, जानते कि कौन आया. वचन में क्या लिखा है मालूम है, If you accept that people inside your house, that peace is going to dwell in your house. Hallelujah. अगर उस व्यक्तियों को आप घर के अंदर लिया, उस शांति आपके घर के अंदर वास करने वाला है. कौन सा शांति? प्रभु ने भेजा हुआ शांति, प्रभु का वचन. तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब प्रभु का वचन आप सुनेगा, आपका दिल का द्वार खोल के कहो, यीशु आपका वचन मेरा अंदर आने दीजिए. जब वचन अंदर वास करेगा, वचन उसका क्रिया करेगा, जो है नहीं वैसे चीजों को भी वचन क्या करेगा, बनाएगा. जो आपका जीवन है एब्सेंट है, हालेलुया, व्हाट इज लैकिंग इन योर लाइफ, आपका जीवन में जो है नहीं है वैसे चीजों को भी यीशु क्या करेगा, आपका जीवन में तैयार करेगा, बनाएगा. हालेलुया हालेलुया. एक ही वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, गॉड विल सेंड हिज वर्ड, प्रभु क्या करेगा, उसका वचन भेजेगा. तो आपके पास वचन आया है, वचन को क्या करो, स्वीकार करो. भजन संहिता 107 में अपना ध्यान लाइए, भजन संहिता 107 में सुबह से ये वचन प्रभु का आत्मा मेरे दिल के अंदर बात कर रहे, हालेलुया. भजन संहिता 107 में, थैंक यू जीसस, 107, हालेलुया, उधर लिखा है, हालेलुया. प्रभु ने क्या किया मालूम है, ही सेंड दिस वर्ड एंड हील देम. भजन संहिता 107 का 20 पढ़िए, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है. वो हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है, ही सेंड फॉर हिज वर्ड, वो वचन, भजन संहिता 107 का 20, ही सेंड हिज वर्ड एंड हील देम, वो वचन भेज के चंगाई करेगा. वचन क्या करेगा, वचन भेजेगा, हालेलुया, ही विल सेंड हिज वर्ड, हालेलुया. अभी यीशु इसका चेलों के हाथ में क्या भेजा है, वचन भेजा है, वचन घर में पहुंचेगा, क्या होने वाला है, चंगाई होने वाला है, क्योंकि भेजा हुआ वचन है ना, प्रभु का वचन चेलों घर में आके बोला, हीलिंग होने वाला है. एवरी आईज क्लोज्ड एंड प्रे, प्रभु मेरे जीवन में जो कमी है उस कमी को आपका वचन दूर करेगा, मैं विश्वास करते. एवरी आईज क्लोज्ड प्लीज, वी आर गोइंग टू प्रे टुगेदर. हम प्रभु का वचन सुना, प्रभु का वचन का सामने नम्र करके कहो, प्रभु अब स्पष्ट रीति में मुझे बात किया, गॉड विल सेंड हिज वर्ड, हालेलुया.
why God sent his word, hallelujah, through his disciples, because he know what is lacking in your household, hallelujah. Aapka ghar mein kya kami hai wo jante hai, isiliye ye vajan aapka ghar mein bheja. Wo do chelon ko aapke aur bheja, Yeshu ko jante tha kis ghar mein ye pahunchne wala hai aur us ghar ka kami kya hai. Aapka ghar ka kami kya hai kaun jante hai? Aapka parivar ka kami kya hai kaun jante hai? Yeshu unka chelon ka haath mein, unka disciples ka haath mein आपका छुटकारा के लिए उस जो वजन भेजा है, आपको क्या करना है? रिसीव करना है. जस्ट रिसीव द वर्ड. आइदर यू कैन रिजेक्ट और यू कैन रिसीव. हालेलुया. इफ यू रिसीव द वर्ड, हालेलुया, व्हाट विल हैपन? द वर्ड विल ब्रिंग हीलिंग इन योर लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू रिसीव द वर्ड? कुछ लोग कहो प्रभु ये वजन मैं स्वीकार कर रहे, मुझसे बात किया, मेरा जीवन में इस वजन का कारण से चैन होने दीजिए, मेरा परिवार में इस वजन का कारण चंगाई होने दीजिए. यीशु नासरी के नाम है सारे बीमार के शक्तियों को निकालते. यीशु नासरी के नाम है जिस घर में शांति नहीं है, हम शांति, शाइन, हम कल्याण उस घरों में बुला के प्रार्थना करते. नेम ऑफ जीसस, उस रीति में हम परमेश्वर का दास हो, जस्ट डिलीवरी बॉयस है. हालेलुया, वी आर जस्ट डिलीवरी बॉयस है ना. कुरियर लेके आपका घर में आएगा डिलीवरी करने के लिए, पोस्टमैन चिट्ठी लेके आपका घर में आएगा. चिट्ठी कौन भेजाए? दूसरा कोई भेजाए. आपके घर में यह संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें, हम आपका जैसे मामूली लोग है. हालेलुया, अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो संदेश हम दे रहे यीशु ने दिया वो संदेश है. एंड दैट संदेश, दैट मैसेज इज हैविंग द पावर टू हील. पास्टर फिनी डू नॉट हैव द पावर टू हील, बट द मैसेज विच आई प्रीच, दैट मैसेज इज फ्रॉम गॉड, एंड दैट मैसेज इज हैविंग द पावर टू एस्टैब्लिश पीस, एस्टैब्लिश, हालेलुया, फ्रीडम, ब्रिंग हीलिंग इन योर लाइफ. Oh, amen. I believe that. We are just ordinary people like you. We are just delivery boys. Hallelujah. Hum sirf postman ka kaam kar rahe. Yeshu ne apne haath mein aapke liye sandesh bheja. Ab sigar karke kaho, mera jeevan mein. Jab aap chitti khol ke padhega na, पोस्टमैन को जानता नहीं है चिट्ठी के अंदर क्या लिखा. आपका घर में चिट्ठी पहुंचाने के बाद में पोस्टमैन उधर खड़ा रहेगा क्या, देखने के लिए क्या हो गया? चिट्ठी पढ़ के आप रोया, आप हंसा, ये पोस्टमैन को कुछ मतलब? वो चिट्ठी डिलीवर करके भागेगा. आप घर के अंदर आके जाके क्या करेगा? आपका चिट्ठी खोलेगा, पढ़ना शुरू करेगा, अच्छे बातों में आप खुश हो जाएगा, आप आनंदित हो जाएगा. सही है ना? तो मैंने ये संदेश दिया, तो चिट्ठी पट के, चिट्ठी के अंदर जो वजन को स्वीकार करके आनंदित होना आपका काम है. मेरा पाठ कदम हो गया. ओ माय पाठ इज ओवर. हालेलुया. नाउ यू आर द वन हु टू रिसीव द मैसेज एंड ग्रास्प द मैसेज. मैसेज को छोड़ना नहीं है, पकड़ना है, अपनाना है. हालेलुया. वजन आपके लिए भेजा. हेलो, किसके लिए भेजा? मेरा नहीं है, मेरा हाथ में भेजा, लेकिन आपके लिए भेजा. लेट मी एनकरेज यू टू ग्रास्प. हालेलुया. उसको क्या करो? खींच लो, उसको पकड़ लो, घस के पकड़ के बोलो ये मेरा मैसेज है. आज पास्टर ने बोला मेरे लिए था, आई एम रिसीविंग द मैसेज, और उस मैसेज का छुटकारा मैं ले रहा हूं. वजन जब आपका खुद का बन जाएगा, है ना, यू हैव टू ऑन द मैसेज. ऑन करने का मतलब क्या? खुद का बनाना है ना. पास्टर ने चर्च में मैसेज दिया, लोग उसके बाद में क्या बोलना है मालूम है? मेरा मैसेज है. यू हैव टू ऑन द मैसेज. हालेलुया. खुद का जब बन जाएगा ना, हालेलुया, ये संदेश आज मेरे लिए था, मेरा परिवार में काम होने वाला है, मेरा बिजनेस में काम होने वाला है. व्हेन यू ऑन दैट मैसेज, हालेलुया, उस संदेश को आपका खुद का बनाएगा, क्या होने वाला है? उस संदेश आपका घर के अंदर वास करके उसका कार्य करेगा, उसका काम करेगा, उजड़े व्यवस्था बदलेगा, सूखे जमीन में बारिश जैसे. हालेलुया. उस वजन का सामर्थ्य उतराने वाला है, सूखे जमीन में बारिश जैसे,
सूख गया, आपका जीवन हरा होने वाला है, हरियाली वापस आने वाला है, खूबसूरती वापस आने वाला है, फूलने वाला है, फलने वाला है, कामयाबी होने वाला है, कामयाबी होने वाला है। यू विल बी विक्टोरियस। लॉर्ड, आई प्रे फॉर ईच एंड एवरीबॉडी हु हियर दिस वर्ड। लॉर्ड, इस वचन सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां जहां ये लोग हार गया, हर मंथली में जीत बना वो प्रोजी। प्रोजी, जिस जिस घर में शांति नहीं है, शैन नहीं है, कल्याण नहीं है, हम इस वचन भेज दे उस घर में। जैसे इस वचन अलग सुनेगा, इस वचन का वंदना अलग सुनेगा, उनका जीवन में कल्याण होने दीजिए, उस परिवार में शांति होने दीजिए, उस परिवार में शांति होने दीजिए, उस परिवार में चैन होने दीजिए। वैसे हुआ, बल्कि धन्यवाद, आपका महिमा सामर्थ्य उन्हें छू ले प्रभु। उस परिवार में, उनका जीवन में जहां जहां एक मरकल होना चाहिए, एक मरकल होना चाहिए, एक अद्भुत काम होना चाहिए। लॉर्ड, यू आर द वन हु कैन डू मिरेकल। हालेलुया। इंसान चमत्कार कर नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर, आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, इसलिए इस परिवार के अंदर डू ए मिरेकल। अब हर व्यक्ति के परिवार में जो बीमार है, जो समस्याओं में, जो मुसीबतों में, यीशु नासरी के नाम में अपने घरों से निकल जाने का आज्ञा हम देते, क्योंकि जहां प्रभु का वचन उपस्थित है, उधर ऐसे चीज और रह नहीं पाऊंगा। वेयर एवर द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रेजेंट, नो पावर ऑफ इविल कैन स्टैंड देयर। ए, जहां भी प्रभु का वचन पहुंचा, उधर कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी बीमारी का शक्ति, कोई भी द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। वेयर एवर द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रेजेंट, no sickness, no infirmity, no evil power can stand there. We cast them out in the name of Jesus. Yeshu Nasri ke naam hai, Yeshu Nasri ke naam hai, Yeshu Masih ke pavitra naam hai. वैसे सारे मुसीबतों को अपने घरों से निकाल के प्रार्थना करते हैं, आपका वचन बेच के आपने चंगाई दिया, बोल के धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। वी ब्लेस देम, वी ब्लेस देम, वी ब्लेस देम। हम उनको आशीषित करके प्रार्थना करते हैं, वैसे हुआ, बोल के धन्यवाद। सारे महिमा आदर आपको, आशीष के नीचे हमें रख दीजिए, जब तक और अब मिलूंगा तब तक आपका पवित्र पगों के नीचे रखे हमें सुरक्षित रख दीजिए, विश्वास योग्य बन के जीने के लिए मदद कर दीजिए, पवित्रता में जीने के लिए मदद कर दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठा नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर, यीशु का नाम है, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम।